हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टीच विथ रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। ओके, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने दो क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर लाइन पे देकर रिप्रेजेंटेशन बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ईजी है। ठीक है, इज इज 7 × 3। मतलब 7 × 3 मतलब 7 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, मतलब 7 कितने स्टेप चलेगा, 3 स्टेप्स। तो देखिए, मैंने नंबर लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। एक आप बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद एक यहाँ ज़ीरो देखिए मैंने रखा है। ज़ीरो का लेफ्ट हैंड साइड जो है निगेटिव नंबर चल रहे हैं और ज़ीरो का राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब मैंने देखिए नंबरिंग कर दी है 0, 1, 2, 3, 4। 0 -1 -2 -3 क्योंकि नंबर माइनस में तो नंबर रिप्रेजेंट नहीं करने, तो ज़्यादा मैंने बनाए नहीं है। पॉजिटिव के देखिए मैंने 21 तक रिप्रेजेंट करें, क्योंकि 7 × 3 = 21 होता है, 21 ही लास्ट आंसर है। और रजिस्टर में देखिए पेज फिल हो गया, तो ज़्यादा मैंने बनाए भी नहीं है। तो 7 को देखिए मैंने 3 टाइम्स क्या किया, जंप कराया है 1, 2 एंड 3। टोटल जंपिंग में टोटल नंबर काउंट कितना हो रहा है, 21। सो काउंट दी टोटल नंबर ऑफ जंप, टोटल नंबर जितना जंप हुआ है उसके नंबर को काउंट करेंगे तो आंसर क्या है निकलेगा, 21। सो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर एक आपको क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है। क्वेश्चन है आपका 8 × 4 कर लीजिएगा, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है 8 × 4 को। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर तो हम बताएंगे ही। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, अब आती बात डिवाइड की। मल्टीप्लिकेशन में तो जंप कराया था, अब 18 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखिए इधर से हम 7 को देख रहे थे। ठीक है, 7 को मैंने 3 टाइम्स जंप कराया था, डिवाइड में राइट हैंड साइड वाली डिजिट को देखेंगे 3। ठीक है, 18 जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 3। ठीक है, तो 18 को देखिए 3 3 के काउंट में मैंने जंप कराया 0 की तरफ, क्योंकि जो डिवाइड में नंबर रिड्यूस होता है, रिड्यूस होगा तो मतलब 0 की तरफ चलेगा। ठीक है, तो देखिए 18 फर्स्ट जंप कराई 3 की, सेकंड जंप कराई 3 की, 4th 5th 6th 7। ठीक है, सॉरी 6 जंप कराई। टोटल काउंट द नंबर ऑफ जंप कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 जंप हमने कराई हैं, तो जितनी जंप होंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा डिवाइड में। तो काउंट द नंबर ऑफ जंप, देखिए ऊपर वाली स्टेटमेंट अलग है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ द जंप, टोटल नंबर जंप में कितना हो रहा है, 21। एंड ये टोटल जंप कितनी हुई है, 6। तो टोटल जंप जो जितनी जंप होगी डिवाइड में वही आंसर होगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिएगा, 35 / 5। ठीक है, अब 5 5 की आपको जंप करानी है, मतलब 35 से करेंगे तो 35 से 5 जंप लेगा 30 पे, 30 से जंप लेगा 25 से, और फिर 0 तक लाना है और फिर देखना है कितने जंप हमारे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें आप लोग। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, स्टेट दी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाई दी फॉलोइंग। अब हमको प्रॉपर्टी बताना है। देखिए इस टाइप की मैंने बताई थी, अगर दो नंबर्स ब्रैकेट में नोट हैं, ठीक है, और थर्ड नंबर ब्रैकेट के बाहर है, फिर जो लास्ट 2 डिजिट के हमने पेयरिंग में देखिए ब्रैकेट में लगा दिया, फर्स्ट नंबर को आउट ऑफ पेयर कर दिया, लेकिन तीनों ही एडिशन में है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्या इसका आंसर चेंज होगा, नहीं होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा क्या है, 21 + 52 = अगर दो डिजिट का सम इधर उधर हो रहा है भाई, जो 21 + 52 का सम होगा वही तो 52 + 21 का सम होगा, ये हमारी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, सेकेंड थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा 5 4 5 6 × 0। ठीक है, सो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, 0 का दो डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक,
अब ये डी नंबर देखिए, मैं मुझसे मिस हो गया, डी नंबर सी के बाद ई है और ई के बाद है डी है, तो डी वाला सबसे पहले देखेंगे, ई के नीचे वाला, सी के बाद ई है, ई के बाद डी वाला मैंने कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डी वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, ठीक है, सी और डी दोनों का ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ हो जाएगा आंसर। अब आते हैं ई वाले क्वेश्चन में, 62 into 9 minus 7 is equals to 62 into 9, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए 62 का सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 62 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए यही तो मैंने राइट हैंड साइड गिवन है, ठीक है। तो ये कौन सा ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव, 62 को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 9 और 7 में ब्रैकेट ओपन होने के बाद, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, और अगर प्लस होता तो ओवर एडिशन हो जाता, अगर यहाँ पर 9 + 7 होता हमारा तो मल्टी ओवर सब्ट्रैक्शन की जगह क्या हो जाता, एडिशन, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। एंड एफ वाला जो क्वेश्चन है, 64 + 453 + 37 = 453 + देखिए बिल्कुल क्वेश्चन ये वाला जो लास्ट वाला है वही फर्स्ट वाला है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, एंड जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको कल डिस्कस कर लेंगे, ओके, सो बाय, टेक केयर।